तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो बेस्ट ऑक्सीजन रिलीज प्लांट होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है मनी प्लांट का। मनी प्लांट जो है इंडोर रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये पौधा चलता है और बहुत आसानी से लग भी जाता है, और ये बहुत ही शानदार पौधा होता है घर में रखने के लिए। ये इंडोर रख सकते हैं और इसको आउटडोर भी रख सकते हैं शेडी एरिया में, तो ये बहुत ही आसानी से चलते रहता है। दोस्तों, दूसरा पौधा है सिंगोनियम, ये भी इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी पौधे हैं उनको आप इंडोर अगर रखना चाहते हैं तो उनको हवादार जगह में रखें, जहाँ खिड़की हो, खिड़की के आसपास रखें तो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे पौधे। और नहीं तो उसको हफ्ते में एक दिन बाहर निकाल कर रखें 2-3 घंटे के लिए, तब वो पौधे बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। तो दूसरे नंबर पर ये सिंगोनियम है, बहुत ही आसान है इसको लगाना और इसको इसका केयर करना, और बहुत ही आसानी से चलते रहता है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी आती हैं। तीसरे नंबर पर है ये स्नेक प्लांट, बहुत ही शानदार पौधा है। और ये जो पौधा है ये इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ आते हैं, छोटे से लेकर बड़े कई तरह के आते हैं इसमें। तो स्नेक प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये सब जितने भी प्लांट हैं ये सब एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं, हवा में जो हानिकारक तत्व तो मौजूद होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। तो बहुत ही शानदार ये पौधे हैं, इनको आप अवश्य लगाएं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एरिका पाम। एरिका पाम बहुत ही शानदार प्लांट है, इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों पीस लिली की। ये देखिए पीस लिली का पौधा है और ये बहुत ही आसानी से इंडोर बहुत ही आसानी से चलता है ये पौधा। और इसके अलावा अगर आपको आउटडोर रखना है तो शेडी एरिया में रखें पौधों के बीच में, तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलेगा। इसके बाद बारी आती है बैम्बू प्लांट की। बैम्बू प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है, फेंगशुई के अनुसार इसको घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और बैम्बू प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती है। ये येलो बैम्बू है, इसमें पीला भी आता है, हरा हरा भी आता है, और इसके अलावा और भी तरह के इसमें बैम्बू प्लांट आते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीजन रिलीज प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है फाइलोडेंड्रॉन का पौधा है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी नर्सरी में, और ये भी बहुत ही अच्छा पौधा होता है और ये भी बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इसके अलावा ये एयर प्योरीफायर भी है, तो ये भी पौधा बहुत शानदार है। और इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, ये एलोवेरा का प्लांट है और ये बहुत ही आसानी से चलते हैं, बहुत ही कम पानी में ये चलते हैं। इसको लगा दीजिए और कैसे भी लगाएं, ये इंडोर भी चल जाएगा, जहाँ पर हवा आती हो और थोड़ा बहुत धूप मिल जाए तो ये पौधा बहुत आसानी से चल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने उस पौधे की बात की जो इंडोर चल सकता है और आउटडोर शेडी एरिया में चल सकता है। अब हम बात करते हैं जो आउटडोर प्लांट है, जैसे कि ये फाइकस प्लांट है, बहुत ही शानदार ये प्लांट है। और फाइकस में और भी आपको पीपल, बरगद, ये सब पेड़ भी आते हैं, तो आप इसका बोनसाई बना के अपने बालकनी या गार्डन में, टेरिस गार्डन में रख सकते हैं। ये देखिए बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री, इसका बोनसाई बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए पीपल, ये 24 घंटा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट है। सबसे शानदार प्लांट पीपल ही होता है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इस पौधे का भी आप बोनसाई बना सकते हैं, या फिर ये पौधा बहुत ही बड़ा होता है तो ये पेड़ के रूप में भी लगा सकते हैं। इसके बाद से ये नीम का पौधा है, नीम का पौधा बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट है, तो इस पौधे का भी आप बोनसाई लगा सकते हैं, या फिर अगर जगह हो तो आप गार्डन में लगा सकते हैं इस पौधे को। इसके बाद ये जरबेरा का पौधा है दोस्तों, जरबेरा पे बहुत ही शानदार फूल खिलते हैं और बेस्ट ऑक्सीजन रिलीज करने वाला ये प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद से ये देखिए दोस्तों, ये जूही का प्लांट है, जूही का जो पौधा है ये बेलनुमा पौधा होता है और इस पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के बहुत ही शानदार फूल खिलते हैं, तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं, ये भी एक बेस्ट ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट है। इसके बाद दोस्तों, ये पीस लिली का पौधा है, पीस लिली भी बहुत ही शानदार प्लांट होता है, इसको इंडोर भी रख सकते हैं और ये बहुत ही शानदार पौधा होता है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके बाद दोस्तों, तुलसी की बारी आती है। तुलसी तो बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है और इसके अलावा ये जो पौधा है ये बेस्ट ऑक्सीजन रिलीज प्लांट भी है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और प्लांट होते हैं, जैसे रबर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ये सब भी बेस्ट जो है ऑक्सीजन रिलीज करने वाले प्लांट हैं, तो आप इन सभी पौधों को अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं और इसको बालकनी गार्डन में भी लगाया जा सकता है। तो आज यही शेयर करना था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, सी यू।